सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस हे गाइस दिस मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएमएस हम लोग आज करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारे सीबीएसई 2015 और 19 के कंपार्टमेंटल एग्जाम्स में आया हुआ है सर मतलब आप लोगों को पता ही होगा लेकिन फिर भी सी का मतलब क्या होता है कंपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं मतलब फिर दिया भी दिया मैंने आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच नहीं टू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर माइनस वन लगते हैं तो ये जीरो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन नहीं कहलाएगा uh, बताएंगे आगे मतलब uh, देखिए सर लास्ट में ना आपका वैल्यू आएगा पी इज इक्वल टू माइनस कौन आएगा लेकिन उसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलेंगे कैसे करेंगे वो देखेंगे अभी हम लोग आगे वीडियोस में हैस सॉरी हैस इक्वल रूट्स हेंस फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर क्या करना है सर कुछ नहीं करना है अभी जो हम लोग कर, करते आ रहे हैं वही करना है बस लास्ट लाइन जो है हमारी नई ऐड हुई है हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इस इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड करने हैं और आपको दिया है कंडीशन में क्या कि रूट्स जो होंगे वो सी सेम एंड इक्वल होंगे ठीक है रियल एंड इक्वल भी बोल सकते हैं अब देखिए क्या करना है पी का वैल्यू फाइंड करना है अब बोल क्या रहा है कि इक्वल रूट्स हैं इसके रूट्स क्या हैं सर इक्वल रूट्स हैं तो रूट्स इक्वल कब होते हैं एक बार बता दीजिए आप लोग फिर से रूट्स इक्वल कब होते हैं सर जब हमारा डी का वैल्यू जीरो के बराबर होता है है ना तो डायरेक्ट पहले इक्वेशन अपना लिखते हैं और सॉल्व कर देते हैं हमारा इक्वेशन क्या है पी प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स पी प्लस वन एक्स प्लस थ्री पी प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो हमारा इक्वेशन है ठीक है अब हमने क्या बोला ना कि डी का वैल्यू जीरो के इक्वल एक, होगा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो के इक्वल होगा तभी हमारे इक्वल रूट्स होंगे तो फॉर इक्वल रूट्स वी मस्ट हैव हमारे पास क्या होना चाहिए सर डी इज इक्वल टू जीरो हमारे पास डी इज इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए अगर डी इज इक्वल टू जीरो नहीं होता है तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो हो सकता है इमेजनरी भी आ जाए हो सकता है रियल एंड अनईक्वल भी आ जाए लेकिन जब जीरो के इक्वल होता है तो रियल एंड इक्वल ही आता है हम लोग देख चुके हैं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है अब डी का एक बार फार्मूला बोल दीजिए जोर से अगर आप फॉर्मुला चिल्ला के बोल रहे हैं तो मुझे सुनाई दे रहा है कि बीस स्क्वायर माइनस

इंटू पी नाइन इंटू थ्री डायरेक्ट करके लिखते हैं क्या हो जाएगा हमारा 3 P plus 9, 3, ठीक है है ना सर हाँ, सर और कोई दिक्कत है इसमें नहीं बस इतना ही दिक्कत है कि ये जो है इस टर्म को हमने ऐसे लिखा और कुछ नहीं जान के किया क्योंकि बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ता नहीं तो हम लोगों को अब देखिए अब इसका होल स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स हो जाएगा का का स्क्वायर स्क्वायर कि होल तो जल्दी से फॉर्मूला क्या कहता है सर कि स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी यानी कि टू इंटू पी इंटू वन तो टू पी है ना माइनस फोर इंटू पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बाद में फोर से कर देंगे पी इंटू थ्री पी तो थ्री पी का स्क्वायर पी इंटू ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन पी ठीक है हाँ सर ठीक है सर, और क्या है? अब देखिए इंटू, तो इंटू कर दिए मतलब माइनस फोर से पहले इसको इंटू कर दीजिए उसके बाद इधर वाला खोल इधर वाला भी इंटू होगा साथ में चलिए थर्टी सिक्स इंटू पी स्क्र थर्टी सिक्स पी स्क्र प्लस थर्टी सिक्स इंटू वन थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स टू सावेंटी टू पी माइनस फोर इंटू थ्री टीवेर माइनस प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी सेवन फोर जा ट्वेंटी सेवन फोर ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना सर ट्वेंटी फाइव सेवन फोर जा जीरो हाँ सर देखिए एक सौ आठ एक सौ आठ पी हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे है ना और फिर यहाँ पे फिर से माइनस ट्वेल्व पी सेवन अच्छा फिर से ट्वेंटी सेवन फोर जा फिर से सर वन जीरो एट आ जाएगा अपना यहाँ पे ठीक है ये किसको इसे समझ में आया कुछ नहीं किया सर सिंपल मैथ था मल्टीप्लाई के समझना गया इसमें कुछ नहीं समझना है बस मतलब समझना तो है ही अब देखिए अब यहां पे देखिए ये 108 है 108 प्लस 12 108 प्लस 12 कितना होता है 108 प्लस 12 होता है 120 ठीक है अच्छा आ, कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहे ना हां तो हमारा यहां पे देखिए p है यहां पे भी p है तो 120 72 कितना हो जाएगा कर देते हैं सर 120 72 कितना हो जाएगा सर सात चार ग्यारह होता है तो फोर्टी एट आ जाएगा हमारे पास यहां पे है ना तो देखिए ये वाला जो टर्म था और ये वाला जो टर्म था इलेवन एट होकर हमारे पास क्या आ गया सर फोर्टी एट आ गया तो ये माइनस में आएगा कि प्लस में माइनस वाला साइन बड़ा है तो माइनस में आएगा तो पहले इसी को लिख देते हैं माइनस फोर्टी एट टी दिख रहा है ना आप लोगों को हाँ सर दिख ही रहा होगा अब देखिए यहां थर्टी सिक्स है यहां पे ट्वेल्व थर्टी सिक्स माइनस ट्वेल्व थर्टी ट्वेल्व थ्री जी थर्टी सिक्स होता है स्क्वायर प्लस प्लस में आएगा छत्तीस माइनस आएगा. आएगा, तो तो होगा तो कितना बचेगा सेवन टू बचेगा तो माइनस सेवन टू आपका यहाँ पे आ जाएगा इसको रीअरेंज करके लिखते हैं और इज इक्वल टू में जीरो भी चल रहा था सर जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया है पीछे उसको भी साथ लेके चलना है, है ना? तो अब देखिए अब अगर आप इसको देखें तो ये खुद में क्या बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है सर अब अगर आप इसको देखें तो ये खुद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है तो इसको हम लोगों को ऊपर ले जाके सॉल्व करना पड़ेगा कहां पे इसको गिवन को मिटा देते हैं सर आप लोग देख ही लीजिएगा वीडियो पीछे करके थोड़ा सा मेहनत कीजिए सर मेहनत कीजिए पसीना भाई है तभी प्रोग्रेस दिखेगा आप में है ना हाँ मतलब मोटिवेशन दे रहे हैं अब देखिए इसको रीअरेंज कीजिए इसको रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं ट्वेंटी पी ट्वेंटी फोर पी स्क्वायर माइनस फोर्टी एट पी माइनस सेवेंटी टू इक्वल जीरो सर देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया अब देखिए यहाँ पे हमारा 24 कॉमन आएगा सब में यहां पे भी 24 फोर यहाँ पे भी 24 सब में है तो माइनस मतलब कॉमन ही ले लीजिए सर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा हमारे पास बचेगा यहाँ पे आ जाएगा 24 फोर यहाँ पे आएगा पी स्क्र माइनस टू बार में ट्वेंटी फोर थ्री बार में ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो जीरो है ना अब देखिए आपको थ्री और वन को माइनस प्लस करके क्या बनाना है सर टू बनाना है तो बन ही जाएगा सर बनना ही चाहिए कैसे बन जाएगा देखिए कैसे बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस थ्री पी प्लस पी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो देखिए सर अब हमारे पास क्या आ गया स्टैंडर्ड जो है हमारा आता था क्वाडरी स्प्लिट करने के बाद वही आ गया इसको तो हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं यहां देखिए पी है यहाँ पे भी पी है तो पी को कॉमन ले लीजिए पी को आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा पी माइनस थ्री बचेगा सर और यहां क्या बचेगा यहाँ पे भी अगर आप प्लस को कॉमन लेते हैं तो पी माइनस थ्री बचेगा तो p माइनस थ्री को हम लोग कॉमन ले लेंगे p माइनस थ्री को जब आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा सर यहाँ पे तो वन हो गया यहां पे p हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा पी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो अब देखिए अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन में कि अच्छा यहाँ पे देखिए प्लस है ना तो प्लस वन ना तो हो जाएगा क्वेश्चन में देखिए पी इज नॉट इक्वल टू माइनस वन आना चाहिए ठीक है अब यहां पे देखिए आइदर और बड़ा कंडीशन लगेगा आइदर पी माइनस थ्री इज इक्वल टू तो जीरो और पी प्लस वन इज इक्वल टू तो जीरो तो पी इज इक्वल टू माइनस वन और यहां इज इक्वल टू प्लस थ्री आपके दो रूट्स आ चुके हैं हमारे के लेकिन ये दो रूट्स नहीं आने चाहिए थे क्योंकि हमको पी का वैल्यू फाइंड करना है और पी का वैल्यू माइनस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए तो आप यहां पे एक टर्म लिखिएगा एक लाइन लिखिएगा नेगलेक्टिंग पी इज इक्वल टू माइनस वन ठीक है हा उसके बाद देअर फोर पी का आपका वैल्यू क्या आ गया थ्री आ गया ठीक है सर ये आया अभी आपका p का वैल्यू लेकिन लास्ट लाइन देखिएगा है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन अब आपको p का वैल्यू पुट करके रूट निकालना है इस इक्वेशन का तो चलिए सर निकाल देते हैं मैंने इक्वेशन भी मिटा दिया है आ, इसको मिटाते हैं हैं यहीं पे लिख देते आराम आसान है सर वो मतलब वो आप अपने से भी बना सकते हैं इतना आसान है, है। पी का वैल्यू थ्री है पी का वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो यहां थ्री रखिएगा तो क्या आएगा थ्री प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स थ्री प्लस वन एक्स प्लस थ्री थ्री प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो अब देखिए अब हमारे पास क्या है यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर फोर एक्स स्क्वायर है ना तो फोर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पे क्या होगा? फोर सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हो गया सर यहाँ पे बारह हो गया ट्वेल्व थ्री जटी सिक्स इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा सर यहां पे आपका कॉमन आ सकता है कॉमन आ सकता है तो अब देखिए अब आप क्या कर सकते हैं आप, आप कर सकते हैं यहां पे भी प्लस है यहां पर नाइन होता है तो थ्री थ्री से सिक्स भी तो होगा है ना सर तो एक्स स्क्स थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो यहां पे देखिए थ्री प्लस थ्री भाई माइनस थ्री माइनस थ्री सिक्स ही हुआ माइनस सिक्स ही हुआ ना सर हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या है एक्स है यहाँ पे भी एक्स है तो एक्स को कॉमन लीजिए यहां बचेगा एक्स माइनस थ्री माइनस माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये क्या बन जाएगा यहाँ पे भी बन जाए अच्छा यहाँ थ्री कॉमन आएगा माइनस थ्री कॉमन आएगा सर क्योंकि यहाँ पे थ्री है थ्री नाइन है तो यहाँ क्या बन जाएगा x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो पे भी x माइनस थ्री यहां पे भी x माइनस थ्री तो x माइनस थ्री को हम लोग कॉमन ले लिए x को कॉमन लिए तो इधर क्या बचा इधर भी x माइनस थ्री ही बचा सर ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है आंसर भी हमारा p का वैल्यू भी सही है कैसे सर क्योंकि हमारे रूट हैं वो इक्वल आएंगे और रूट्स इक्वल आ रहे हैं आइदर और वाले कंडीशन लगाइए तो आइदर और वाले में क्या आएगा एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो देर फोर एक्स का वैल्यू आपका क्या आ गया थ्री आ गया सर ठीक है ना दो बार थ्री आएंगे दोनों बार भी आप निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टेन चलिए बढ़ते हैं आगे